इंडिपेंडेंस डे को लेकर बचपन की यादें हैं, मतलब जो स्कूल में हम लोग सॉरी बचपन की यादें हैं जो स्कूल में हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन स्टेज पर हम लोग असेंबली के वक्त गाना गाते थे, कोई इंडिपेंडेंस वाला गाना गाते थे, एक मतलब स्किट बनाया जाता था, हम लोग रिहर्स करते थे इंडिपेंडेंस डे के लिए, मतलब मार्च पास्ट होता था इंडिपेंडेंस डे पर। तो ये स्कूल की यादें बहुत ताज़ा हो जाती है इंडिपेंडेंस डे के वक्त। और मुझे याद है कि बचपन में छाया गीत आता था घर पर, तो वहाँ मतलब जो हमारी फिल्मों के फेमस जो इंडिपेंडेंस डे को लेकर जो गाने हैं, जो हमारी देशभक्ति के गाने हैं, जैसे पुकार का गाना हो या उपकार का गाना हो या फिर सुनीता जी का जो छोड़ो कर की बातें वाला गाना हो, वो हम लोग छाए गीत या चित्रहार में रोज़ मतलब हर हफ्ते मतलब इंडिपेंडेंस डे के हफ्ते हम देखा करते थे। तो वो याद है, मुझे याद है कि पूरा मतलब जो हफ्ता होता था देश भर में मतलब इंडिपेंडेंस डे को लेकर बहुत मतलब खुशियों वाला होता था। जैसा देखा जाए तो बचपन में एक यादें थी, एक खुशी का माहौल लाता था स्वतंत्रता दिवस, एक एज हो जाने पर क्या कुछ जहन मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है देश के लिए और देश की एक्टिविटीज़ को देखकर, उसमें आप किस तरह देखते हैं उन बातों को? वापस बोलेंगे हम जी सर, बचपन में हम जब स्वतंत्रता दिवस स्कूल में मनाते थे एक अलग फील के साथ, जब हम यूथ में आ गए हमारी एज में मैच्योर हो गए, तो क्या कुछ आता आपके जहन में, चेंजेस लाता है जो उस ज़माने को लेकर के कंपैरिजन में अब जो चेंज हो गया? आई थिंक अब मतलब इतना डिजिटाइज हो गया है सब कुछ, इतना मिनिमलाइज हो गया है सब कुछ, मतलब इतना मतलब कंसाइज हो गया है, सब अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि कुछ लोग तो इंडिपेंडेंस डे के वक्त भी काम करते हैं, और अगर ना हो तो हॉलीडेज़ पर जाते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब छुट्टी मनाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो गया आज के ज़माने में। तो देश के बारे में सोचना मतलब न्यूज़ के अलावा मतलब इतना कुछ मतलब लोग इंडिपेंडेंस डे को लेकर सीरियस होते नहीं है। आई थिंक साल भर हम अपने देश के बारे में सोचते तो हैं ही, लेकिन अब हमारे लिए मतलब इंडिपेंडेंस डे का मतलब वो है जब मतलब देश भर में मतलब लोग अपने आप को एक एक फ्री आवाम के तौर पर मानते हैं, जहाँ हम अपनी लिबर्टीज़ को फ्रीली मतलब महसूस कर सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ गिविंग, फ्रीडम टू गिव। सर ये क्वेश्चन वापस करते हैं थोड़ा, नहीं नहीं ये वाला वापस। ओके सर, आप पिछले जमाने पुराने ज़माने को लेकर क्या चेंजेस? या पहले पुराने ज़माने से अगर आप आपके जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा मतलब धूमधाम से मचाया जाता था। अब मुझे लगता है कि अब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि इंडिपेंडेंस डे एक हॉलीडे माना जाता है यार, इतना मतलब देश को लेकर इतना मतलब सीरियस नहीं होते हैं लोग उस दिन, मतलब इतना स्ट्रेस आ गया लोगों की ज़िंदगी में कि अब छुट्टी आती है तो लोग मतलब अपने आप को इन्जॉय करना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, हम हर 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 दिन एक इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं, और आज लोग इंडिपेंडेंस डे को हर दिन सोचते हैं, मतलब क्योंकि हर दिन को एक इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सोचा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ देश के इंडिपेंडेंस तक सीमित नहीं है, इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमें फ्रीडम मतलब फ्रीडम देती हैं, और उससे भी हमें एक मतलब एक इंडिपेंडेंस डे का मतलब एक फील आता है उन चीज़ों से, जो साल भर मतलब लागू होनी चाहिए, जो साल भर मतलब हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ, हम डेफिनेटली एक फ्री देश हैं, जहाँ मतलब सबकी राइट्स मतलब बहुत ही स्ट्रांग हैं, और सबको मतलब अपना एक सबका वजूद मतलब एक फ्रीडम को लेकर बहुत मजबूत है। तो वो इंडिपेंडेंस डे पर मनाने की ज़रूरत ना होते हुए भी लोग अपने आप को अगर फ्री मानते हैं हर दिन साल के हर वक्त, तो वो आई थिंक इंडिपेंडेंस डे समझा जा सकता है। मेरे नज़र में देशभक्ति की डेफिनेशन वो है, अगर कोई हमारी देश के बारे में कुछ कहे, चाहे वो बाहर का हो कोई, और हम उसे ऐसे ही सुनकर मतलब चुप रहें, फिर वो देशभक्ति नहीं मानी जा सकती। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो कोई आपके देश पर उंगली उठानी उसे उंगली उठाने का हक नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो उंगली उठाए तो आपको उसे मतलब करारा जवाब दे देना चाहिए। सो तुषार, अगर रिसेंटली देखा है आपकी फिल्म लाजवाब थी, रिसेंटली आप अनुपम सर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में नजर आए लक्ष्य के साथ, क्या कुछ मेमोरीज थी, कुछ हमें पता है?
अनुपम जी बस मतलब लक्ष्य से मिलना चाहती थी, तो मैंने उन्हें बोला कि आप घर आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि अरे आप क्यों आते हो अभी, लक्ष्य तो मतलब बड़ा हो गया, मैं लेके आता हूँ उसको आपके घर। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे स्कूल आ जाओ। तो मैं उसे उनके स्कूल ले गया, तो वहाँ मतलब लक्ष्य ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी इधर उधर घूम रहा था। तो अनुपम जी से जब भी हम मिलते हैं तो मतलब वो पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं जो हमने फिल्में साथ की हैं, क्या कूल है हम, 1, 2, 4 दिन की चांदनी हो, शर्त की है मैंने उनके साथ, तो आई थिंक लाइफ पार्टनर भी किए मैंने उनके साथ, तो बहुत सारी फिल्में की हैं। तो वो सारी मतलब जो आउटडोर की मेमोरीज़ है, आउटडोर स्केड्यूल की मेमोरीज़ है, वो सब याद आ जाती है वापस। अगर लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य आजकल ट्रेंड चल रहा है कि किड्स पिक्स का स्नैप्स का, तो आप दूर रखते हैं लक्ष्य को या कंफर्टेबल हैं उस चीज़ से? अगर मतलब कैमराज हो, अगर जहाँ हम जाएँ अगर कैमराज हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब मैं जानबूझकर दूर भी नहीं रखता हूँ, लेकिन लक्ष्य को जानबूझकर कैमरे के सामने लाने की कोशिश भी नहीं करता। जो नॉर्मल है, जो हम मतलब कि मेरी वजह से जो या फिर लक्ष्य मतलब अभी ऑलरेडी थोड़ा मतलब इंटरनेट पर फेमस हो गया, अगर उसके पीछे अगर पैपराजी अगर थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो हमारी ज़िंदगी है बॉलीवुड में, अगर उसको अगर इससे दूर रखा जाएगा तो बाद में मतलब उसे शायद बाद में सब कुछ इतना नया लगेगा कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। सो रिसेंटली आपने एक फोटो भी शेयर की थी, पूरा वो चाइल्ड ग्रुप था, उसके बारे में जरा बताओ, कुछ यादें रही उसकी? आप बहुत छोटे थे, ऋतिक रोशन भी थे, जी जी खन्ना भी थी, तो क्या या कुछ यादें थी उसकी? वो मुझे याद है कश्मीर में किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो फ़ोटो खींची गई होगी, मुझे याद नहीं है कौन सी फिल्म थी, क्योंकि मैं 3-4 साल का ही था। तो आई थिंक रीना रॉय जी थी, तो आई थिंक वो डायर की जो फिल्म अगर हुई होगी उस समय में, तो वो आशा होगी या अपनापन होगी या ऐसी कोई फिल्म होगी, अर्पण या कुछ, मुझे याद नहीं है कौन सी फिल्म, लेकिन कुछ किसी ऐसी कोई फिल्म के वक्त आई थिंक वो फ़ोटो खींची गई होगी, क्योंकि हम सब साथ में आउटडोर में रहते थे, मतलब ओबरॉय होटल में श्रीनगर में। तो आई थिंक ये शाम को पैकअप के बाद थोड़ी बहुत मतलब वीडियो रूम में सब बैठा करते थे, या फिर हॉल में बैठा करते थे, या लॉन में बैठा करते थे। तो उस दौरान आई थिंक बच्चे सब साथ हुआ हुए होंगे, तो सब फोटो खींच ये फोटो खींची हुई होगी, क्योंकि ये सारे बच्चे जो थे उस फोटो में, हम सब खेला करते थे, मुझे याद है बचपन में। अब तो नहीं मिलते, सब अपनी दुनिया में बिजी हो गए हैं, लेकिन ये एक ग्रुप सा था, मतलब जो डैड के फ्रेंड्स भी थे और को स्टार्स भी थे उस वक्त। उसके बारे में जब बताया, क्या कुछ है, क्या कुछ कनेक्शन है, क्या कुछ बॉन्डिंग है आपकी, क्यों मतलब क्या किस लिए स्पेशल होगा? ग्रैंड मार्शल का जो इनविटेशन आया मुझे, वो कैलिफोर्निया में बे एरिया में जो मनाया जाता है इंडियंस के साथ, वो उसके लिए था। और मैं जा रहा हूँ अभी वेडनेसडे, अगले हफ्ते निकल रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ ये फंक्शन बहुत बड़ा मनाया, बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, और मुझे एज द मेन ग्रैंड मार्शल बुलाया गया है। तो मैं डैड के साथ गया था बहुत साल पहले, और अब खुद जा रहा हूँ, तो थोड़ी नॉस्टैल्जिया भी हो जाती है, और एक प्रेस्टीजियस तरीके से मनाया जा रहा है ये, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी आएंगे इस फंक्शन को अटेंड करने, और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा वहाँ के लोगों से, जो मेरे फ़ैन्स हैं, जो मेरी फिल्में देखा करते हैं, गोलमाल के फ़ैन्स जो हैं, जो वहाँ रहते हुए भी मतलब हिंदी फिल्मों को मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं है, और हिंदी कल्चर को छोड़ा नहीं है, जो अभी भी हमारी जो यहाँ की सभ्यता है उसको वहाँ बरकरार रखे हुए हैं। तो उनको अच्छा लगेगा मुझसे मिलने में, मुझे अच्छा लगेगा उनसे मिलने में, देखते हैं क्या होता है। मैं पहली बार जा रहा हूँ। सुदेश की बात करें तो आजकल कमर्शियल मूवीज़ का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बड़ा ही लोकप्रिय, ऑडियंस भी बहुत चाव से आज देखती है, तो आपका क्या देखें, आप करना चाहते हैं इस तरह की कोई फिल्म जो आप शूट करें, जो आप पसंद करें कम्फर्टेबल है? कमर्शियल फिल्म होगा, मैं हमेशा से कमर्शियल फिल्में ही करता आया हूँ, मतलब सीरियल्स ड्रेस में पुलिस ऑफिसर है सर, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। जो भी फिल्म मुझे ऑफ़र की जाती है उसमें से जो बेस्ट लगता है मुझे स्क्रिप्ट, वही करता मैं, चाहे वो कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो। शोर इन द सिटी टाइप की फिल्म भी की है मैंने, डर्टी पिक्चर भी की है, क्या कूल है हम भी की है, गोलमाल भी की है, शूट आउट भी की है, तो हर टाइप की फिल्म करना चाहूँगा, अभी तो जवान हूँ। सो रक्षाबंधन भी आ रहा है, क्या कुछ खास है इस बार इतना के साथ? ऐसा कोई डेफिनेट प्लान नहीं है, जिस दिन रक्षाबंधन होगा आई थिंक उसी दिन हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कब मिलना है, कहाँ कहाँ राखी बांधनी है। कैजुअली लेते हैं हम लोग, क्योंकि साथ रहते हैं हम साल भर, तो साल भर हमारे लिए रक्षाबंधन की तरह है। बहुत एक्साइटेड हूँ, कल ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। न्यू कमर्स वाली जो एक लव स्टोरी होती है, जैसे बॉबी में थी लव स्टोरी में थी, वो आई थिंक आज के ज़माने में इम्तियाज़ अली हैं, जो मतलब उस इमोशन को बहुत खूबसूरती से पेश करके लाते हैं फिल्मों में, जैसे जब भी बैट में किया था, रॉकस्टार में किया था, और एक नए मतलब नए सिरे से मतलब नए चेहरों को लेकर
और कश्मीर में शूट गई फिल्म, आई थिंक बहुत अच्छी यादें आ जाती हैं जो हमारी क्लासिक लव स्टोरीज़ हैं उनकी, और आज के जो दौर में मतलब जो एक ट्रेंड, मतलब जो एक अलग माहौल बन गया है, उसमें कैसे लैला मजनू का जो एक स्ट्रांग पुराना इमोशन है वो कैसे आएगा, वो क्या होगा अगर वैसा कुछ हो जाए आज की युवा पीढ़ी में के किसी दो मतलब लड़का लड़की के साथ, वो आई थिंक इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। सो आपके बड़े करीबी रोहित सर भी सिम्बा लेके आ रहे हैं इस दिवाली, उसके लिए भी कुछ क्रिसमस में आ रहे हैं, या क्रिसमस में जी, सो उसके लिए क्या कुछ एक्साइटेड है आप या कुछ बात भी? बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक रोहित का जो जॉनर है वो देश भर के लोग पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, फैमिलीज पसंद करते हैं, मासेज पसंद करते हैं, और सिम्बा इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने रोहित से कहा भी था कि वो सिंघम और गोलमाल का एक बहुत अच्छा फ्यूजन लग रहा है, जो बहुत ही डायनामिक फ्यूजन साबित हो सकता है, जो मतलब ब्लॉकबस्टर तो रोहित की फिल्में होती हैं, ये शायद कुछ और ही रिकॉर्ड तोड़ दे। सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट जानना चाहेंगे, क्या कुछ किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? अब मैंने एक वेब सीरीज़ को यस बोला है जो एक कॉमेडी होगी, और मैंने एक दूसरी फिल्म को भी यस बोला है जो एक फार्स है, लेकिन कॉमेडी होते हुए भी ब्लैक कॉमेडी के जॉनर को, मतलब ब्लैक कॉमेडी के जॉनर के ज़्यादा करीब है, और सीरियस इशू को लेकर एक एंटरटेनिंग स्टोरी बनाई गई है जिसमें आई थिंक मुख्य किरदार मेरा है, तो मैं उसकी अनाउंसमेंट बाद में करूँगा जब सब रेडी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हाँ बोला है मैंने। सो